वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। वीरगाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। वैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है। वैसे ही अपने अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल गीत मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो के कृत में पाते हैं उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में। उसके पीछे फिर भक्तिकाल के कवियों के ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। 8 खुसरो पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 में 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1360 के आसपास रचना प्रारंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही विनोदी मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग से दोहे तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली उसी ढंग से पद्य पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इनमें भी हुई। इनकी पहेलियों और मुखबरियों प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति व चित्र की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ ढांचा अधिकतर स्वर श्रेणी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियाँ मुकुलियाँ और दो सखूनों से में ही मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। इसी ब्रज भाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद का यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिली गई हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वालू पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी जिससे तंबाकू का एक नाम ही सुरती या सुरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख प्रांत के बीच कुछ बदल गई होगी। उसका पुरानापन ही कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत
प्राकृत के रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बाणी की हस्तलिखित प्रति मिली है उसकी भाषा कुछ पंजाबी फिर राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं, जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई घरी घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया चल्या समझाया, उनई आई के स्थान पर उनम्यू आई झुक आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन भी
के अंतर्गत मानी जाती है। इसके इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल 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 गयल 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 हमरा तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। ये बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर की बात है, नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी, इसी प्रकार विद्यापति के पदावली पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव और गीत काव्य के अनुसार पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे, शिव के उपासक शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति और कृष्ण भक्तों की परंपरा में न विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। सुर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसी लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में गोलोक की नित्य मानी गई है। जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम, सखा, गोपियाँ इत्यादि सब नित्य नित्य रूप में है, इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं।
सरस वसंत समय फल पावली दक्षिण पवन बह धीरे सपन हूँ रूप वचन एक भाष्य मुख से दूरी करो चिरे तोहर वदन सम चाल होय नहीं हो अथि नाही केथो जतन बिह केला के बेरी काली काटी बनावल नवके तेहो तुलित नहीं भेला लोचन तू कमल नहीं भे सक से जग नाही जाने से फिरी जाय लुकेल नह जल मह पंकज निज अपमाने भन विद्यापति सुनु बर जोवती इस सम लक्ष्मी समाने राजा शिव सिंह रूप नारायण लखीमा देई प्रतिभाने काली कलह पिय सांझई रे जाइब मई मारु देश मोए अभागिली नाही जातन रे संग जैत वह जोगिन भेष हृदय बर दारुन रे पिया बिनु बिहरी न जाय एक शयन सखी सुतल रे अछल बलभ निसी भोय न जानत कत खन तजी गेल रे बिछुरल चकवा जोर सुनि से पिय साइल रे बिन पिय बिन घर मोय आजी बिनती करहु सुसहेलिन रे मोहि देही अगिहर साजी विद्यापति कवि गावल रे आवी मित्तल पिय तोर लखिमा दे बर नागर रे राय सिंह नहीं भोर। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए, उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थित हो गया। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराजा हमीर के समय तक ही समझना चाहिए, उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा न मुसलमानों से। जनता की चित्रवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राह रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ तो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राह रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह न समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह रही Thank you.
Thank you.
खड़ा किया। दूसरी ओर बल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को गौरवता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक और तो प्राचीन सद्गुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के वश जाने से देश में जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसके दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में ही सिद्धों और नागपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका था। 3. ब्रजयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्र के विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफटे रमते योगी घट के भीतर के चक्रों, सहस्त्र दलों, कमला, इला, पिंगला, नारियां इत्यादि की ओर संकेत करने वाले रहस्यमय वाणियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धियां की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चा की विधियां व्यर्थ है, ईश्वर तो प्रत्येक घट में भीतर है, अंतर्मुख साधना से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुस्लिम दोनों एक है, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। इन योगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इनका उल्लेख पहले हो चुका है। भक्ति के आंदोलन की ओर लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की ओर भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नागपंथी कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं। आज पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश का सबसे प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास किया। उसके पीछे कविदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नागपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव के निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंत साधना पर जोर दिया था, पर नागपंथियों की अंत साधना हृदय पक्ष शून्य भी उसमें प्रेमवत का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नागपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी,
पर यह बात उन्हें खटकी। उनका संकेत उनके ये वचन देते हैं। कवि ने यद्यपि नागपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इनका संकेत उनके वचन देते हैं। अब कवि के वचन ये हैं, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, झिलमिल झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाए, करहा पढ़िया गार में दूरी परा पछिताए। करहा जो एक करब हाथी का बच्चा है, करहा पढ़िया गार में दूरी परा पछिताए, हठयोग की क्रिया करने वाला। अतः इसमें गोरख अटके कालपुर कौन, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी कही न काहू, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, बहुत दिवस ते हिंडिया बहुत दिन से हिंडिया सुन्नी समाधि लगाए हैं, करहा परिया गार में दूरी परापछताए। करब हाथी का उच्चा, गाढ़ में दूरी परापछताई। अतः कवि ने जिस प्रकार यह एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए Thank you.
रंगों की भावना से मिले उस Thank you.
जमा कर भिक्षा मांगते थे। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा में से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनो गुरु होई न ज्ञान समझाते आते थे। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण जिस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यक्ता का उदार भाव नहीं जम पाता था और भेदभाव बना रहता था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं बिठोवा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बिचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर बिसोवा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नागनाथ पंथी कनफटे से दीक्षा ली। इसके संबंध में उनके ये वचन हैं, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना, किसु हूँ कुंजु दूजा नजर न आए, एके पाथर किजे भाव दूजे पाछक धारी पाओ, एके पाछर कीजे भाव दूजे पाछर धारी पाओ, जो वो देख तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि की सेव। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय से ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल रहे थे। इसके समय से ही गोरखनाथ की अनुयायी हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए अंतर साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, जैसे बिठोवा ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अविंद्रनाथ नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर इनकी ओर घूम जाना इत्यादि इनके महात्मा ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इनकी इष्ट सगुनोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, जिनमें सबरी केवल आदि की सुगति तथा भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया जाता है। अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करियो, नवनिधि ठाकुर दई सुदाम ही, भारुग जो अटल अजहू न करियो, भगत हेत मारियो हरि ना कुश नृसिंह रूप हवे देह धरियो, नामा कहे भक्ति बस केशव अजहू बलि के द्वार थेओ, दशरथ नायरनंद राजा मेरो रामचंद, दशरथ रायनंद राजा मेरो रामचंद, प्रणवे रामा तत्व रस अमृत पीजू, धानी धानी मेघा रोमावली, धानी धानी कृष्ण ओढ़े कावली, धानी धानी तू माता देवकी, जिह गृह रमैया कमलापति, धानी धानी बनखंड वृंदावना,
जहाँ खेले श्री नारायणा, बेनु बजावे गोथान चारे, नामे का स्वामी आनंद करे। यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धिरमी अर्थात निर्गुण वाणी भी कुछ देखिए। Thank you.
प्राप्त करना पर प्रेम की पीर की जो व्यंजत व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्याप्त रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक में परे दिखाई पड़े, ऐसे वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं, वे सब हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियां हैं, जिन्हें संसार उन्होंने फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षियों और पौधों को सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देकर देना हिंदू प्रेम कहानियों का विशेषत्व है। मनुष्य के वृक्ष भी होते हैं, संदेश से पहुंचाते हैं, यह बात इन कहानियों में भी मिलती है। शिक्षित और विद्वानों की असरदाता राजाओं और चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों में ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता चलता है दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संभवतः 1546 से 1574 के समय में कवि सुदास ने सरस्वती कथा की कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी, जिसे जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चल रही है। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने यह सुनाया कि राजा चंद्रोदय को कोई संतति न थी, शिव की तपस्या करने पर उनके बल से राजा को सरस्वती नामक एक कन्या हुई। वह जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती थी। इंद्रपति नामक एक राजा ने ऋतुवर्ण आदि चार पुत्र थे। इंद्रपति नामक एक राजा के ऋतुवर्ण
आदि चार पुत्र थे। एक दिन ऋतु शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर से कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थी। वह जब उतर कर वहां गया तो सती को देख मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकता रह गया तब सत्यवती को आ गया। उसने यह कह दिया कि चित्त हमें चितवे जस जोग चित जोग धर्म न जानसी पापी कहसी कौन कि तू कोली अभिनष्ट हो जा। ऋतुवर्ण वैसे ही हो गया और प्यास से फूट फूट कर रोने लगा। रोवे विभूत पुकारी छोहन बिछ रोवे सधारी बद सरोवर बन मही रोवत पंछी बहुत नाही। विलास सुनकर सत्यवती उस उठी कोड़ी के पास जाती है। रोवे व्याधि बहुत पुकारी छोहन बिछ रोवे सब झाड़ी बाघ सिंह रोवत बन माही रोवत पंछी बहुत नाही। सत्यवती उस कोड़ी पास जाती है पर जब वह उसे यह कहकर हट जाए कि तुम जाओ अपना हंसा हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोड़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर जाकर वह दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन पर बैठा उनकी उसी कन्या वहां थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही न करता। कन्या को बुलाने पर जब राजा ने दूध तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को ले जाकर उसी कोड़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोड़ी की सेवा के लिए चल पड़ी। उससे कहा Thank you.
So, I'm going to go to the next one.